Yes. Mira. Mr. Beans. Ex. Mito se alo. Ta vai da. Mito se alo. Ta vai da. Ta vai da. Okay. Okay. ちょっとかわいい。ये देखिए अभी थोड़ा सामान लेके निकलते हैं। ये फ्लावर्स लगाए हुए हैं, छोटा सा शॉप है आइलैंड के ऊपर, और इसने चेंज कर लिया अपना चिप्स। यहाँ ना कुक का है। बनाना यो करो बनाना यो好嘞，来。有。喂，麦克。क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपके सनी जेटैक में। सो आज हम आए हैं यहाँ सुवामल इन्ना करके, ये आइलैंड है बिल्कुल हेलसिंकी सेंटर में, और हेलसिंकी सेंटर से आप आराम से फेरी पकड़ के आ सकते हैं, अबाउट 10 मिनट राइड है। और आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकट होती हैं वो यहाँ पे काम करती है, उसके लिए अलग से आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास पब्लिक टिकट है तो आप उसको सेम ही टिकट को यूज़ करके आ सकते हैं। और ये आइलैंड अबाउट आई थिंक 16 सेंचुरी में बनाया गया था स्वीडिश की तरफ से, जस्ट टू फाइट अगेंस्ट रशिया। और बाद में आई थिंक 17 सेंचुरी में रशिया ने इसके ऊपर टेक ओवर कर लिया था, और उसके बाद में जब से फिनलैंड को फ्रीडम मिली है आई थिंक 1908 में, तब से ये फिनलैंड के अंदर आया और इसका नाम सुवामल इन्ना रखा गया है तब से। सो काफ़ी लोग, सो हेलसिंकी के लोग काफ़ी यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं। तो अभी हम यहाँ छोटे से शॉप में गए थे, वहाँ से थोड़ा शॉपिंग की है, थोड़े चिप्स वगैरह लिए हैं और थोड़ा स्नैक्स वगैरह लिए हैं। और क्या कि अभी बीच साइड पे जाएंगे, यहाँ पे बीच है फेमस, वहाँ पे चिल करेंगे, क्योंकि आज लास्ट दिन है मेरा छुट्टी का। जैसे मैंने आपको बताया मिड समर हॉलीडेज चल रहा है, तो मिड समर हॉलीडेज़ का लास्ट दिन है मेरा छुट्टी का। सो मैंने कहा क्यों ना आज बाहर निकलते हैं, बिकॉज नॉर्मली मैं बिज़ी होता हूँ हर दिन, जैसे आप जानते हैं ब्लॉग भी होते हैं, उसके बाद मेरा काम भी होता है। बट चलो आज मैं इंजॉय करेंगे फैमिली के साथ। सो अभी ये नाना का आइसक्रीम खा रही थी और इसका आइसक्रीम छीन लिया, ये जो बर्ड सीगल्स होती हैं उन्होंने। अभी नई आइसक्रीम लेके आई है बेचारी। नो सो चलिए अभी इंजॉय करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ यहाँ आइलैंड के अंदर। 8 आइलैंड के ऊपर ये पूरा फोर्ट बनाया गया है जिसको सुवामल इन्ना कहते हैं। सो चलिए मैं आपको घूम के दिखाता हूँ सारा। बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ का, मैं आपको दिखाता हूँ सारा, पूरे का पूरा आइलैंड है। क्रॉस करने के लिए ब्रिज है वो पीछे आइलैंड पे, वहाँ पे रुकी थी बोट, और अभी हम जा रहे हैं बीच की तरफ। ओके, मैं उस तरफ का करके दिखाता हूँ। वो हेलसिंकी सेंटर है और ये रहा पूरा इसका फोर्ट, और इस तरफ है पूरा आपका बाल्टिक सी, और उधर की साइड पे है आपका एस्टोनिया कंट्री, और पूरे का पूरा यूरोप। सो ये 8 आइलैंड जैसे मैंने आपको बताया है, 8 आइलैंड के ऊपर बिल्ड है। सो ये एक आइलैंड, वो दूसरा आइलैंड, वहाँ पे शिप भी बिल्ड होते हैं, रिपेयर होते हैं, और ये रहा जहाँ से हम आए हैं। सो अबाउट 8 आइलैंड्स आर हियर। देन व्हाट वाज दैट आइलैंड, द स्मॉल वन, लोन्ना, वाज इट लोन्ना? या वो लोन्ना है, वहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स हैं वगैरह, तो आपको बोट पकड़ के आना होता है तो अगर आपको आना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे आप लंच भी करने आ सकते हैं, डिनर भी करने आ सकते हैं। देखिए लोगों ने अपनी अपनी बोट ली हुई है, दूसरी शिप भी आ गई है और लोग आ रहे हैं अबाउट। और ये ओके, एंड देन
ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये हमारा घर है, तो हमें ये आइलैंड वहाँ से दिखता है पूरा। ये चलिए निकलते हैं सी की तरफ। वाह आज बहुत ही बढ़िया दिन है, पूरा हफ्ता धूप निकलेगी अच्छी तरह से, तो गर्मी भी पूरी गर्मियों वाला सीन चल रहा है अभी यहाँ पे। ऑलराइट ये बोट आ गई एक और जो मैं आपको दिखा रहा था, लग रही है अभी यहाँ पे कोने में, और उतरेंगे लोग और चढ़ेंगे। सो ये हेलसिंकी के पास के ऊपर चल आप आ सकते हैं आराम से, आपको कोई अलग से इसके लिए टिकट नहीं खरीदने की ज़रूरत, सब इंक्लूडेड है। और ये फोर्ट है, ये आर्मी की गाइस आगे ये ट्रेनिंग पे हैं, यहाँ पे आज ट्रेनिंग हो रही है, भाग रहे हैं जैकेट डाल के हैवी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, ये रशिया से लड़ाई करने के लिए बनाया गया था ये पूरा फोर्ट, जैसा मैंने आपको बताया। देखिए पूरी की पूरी वॉल है, वेरी ऑथेंटिक। और यहाँ पे लोग रहते भी हैं, ये घर अपार्टमेंट्स हैं। Isn't like a lot of people live here, right? Yeah. Is it very expensive, isn't it? No, it's just fine. It's kind of cheap, actually. It's actually cheap? Yeah. Cool. It's just for some people who work for like one of my friends who is working for health and insurance. Okay. Ah, so. It's for the profit. Ah, so for artists and stuff like that. Yeah, and my one customer who is ceramic. Mm-hmm. She lives here too, which has family. Okay. But it's a bit hard because their son is a teenager and okay. It's like he wants to go out with friends. Okay. So he has to come with the boat. Oh, the then. Last boat, you know, and winter time you have to maybe wait 1.5 hours. Wow. You miss one. Yeah. So yeah, Linda भी बता रही थी ये सारे घर यहाँ पे आप रह सकते हैं और इतने एक्सपेंसिव नहीं है, मैंने सोचा था काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे, बट ज़्यादातर आर्टिस्ट लोग रहते हैं, जैसे कोई हेल्सिंग की सनामत जो कि इनका न्यूज़पेपर है, उसका फोटोग्राफर हो गया, या और पियानो आर्टिस्ट हो गए, वैसे लोग यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे आना सर्दियों के टाइम पे एक चैलेंज की तरह है, अगर आप पार्टी करने आते हैं हेल्सिंकी सेक्टर तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा आपको वेट करनी पड़ती है। बट फिर भी आई थिंक इट्स प्रीटी नाइस है, आई थिंक इट्स स्टिल वर्थ टू लिव हियर, isn't it? Yeah, so ye famous inka area. These are guns hai. So ye purani guns lagi hui hain abhi bhi. Ye jaise maine aapko bataya Russia se ladai karne ke liye lagayi gayi thi. Wow. And wo pura Helsinki center hai, wo white church wahan pe aapko dikhata hu. ये हेलसिंकी का वाइट चर्च और ये पूरा हेलसिंकी सेंटर। देखिए लोग अपनी मस्त बोट लेके आए हुए हैं, दैट्स अ ड्रीम, हर बंदे का ही ड्रीम है। द गाइस चिलिंग, ये बोट पे जा रहे हैं, नाइस। सीगल के बच्चे, ऑलराइट अभी हमने अपने पिकनिक के लिए जगह ढूंढ ली है, सो अभी यहाँ पिकनिक करेंगे, दिखाता हूँ एक मिनट रुक। की भी है और इस साइड पे आपके सारे आइलैंड्स, आई थिंक सो यू कैन बी हियर। यो नाइस, लेट्स गो टू अ पिकनिक हियर। थोड़ा हम खाना लेके आए साथ में, पैनकेक बनाए थे लिंडा ने, देन वी गोना ईट सम फूड एंड रिलैक्स। ये समुंदर का पानी है भाई, ओह अभी भी ठंडा है ये तो, और Thank you.
चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हेलसिंकी आ चुके हैं बोट पकड़ के। आपने देखा होगा अभी का वीडियो। सो प्लान थोड़ा चेंज हो गया है, बट चलिए इतना काफ़ी आज के लिए। आने वाले व्लॉग्स में और भी थोड़ा दिखाएंगे आपको हेलसिंकी अच्छी तरह। सो आज पिकनिक के लिए गए थे। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आगे और भी बहुत बढ़िया ट्रैवल व्लॉग्स आने वाले हैं। ये तो एक छोटा सा आज का नॉर्मल छुट्टी का दिन था, तो पिकनिक मनाने चले तो एक प्लान बन गया, और तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग भी शूट कर लेते हैं आपके लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे चल रहा है कैंपेन। आप में से 1000 लोग जो पहले सब्सक्राइब करेंगे उनमें से एक लकी विनर को मिलेगा फ्लिपकार्ट का 5000 रुपये का गिफ्ट कार्ड। उसके लिए सिंपली आपको जो साइड में वीडियो दिख रही है इसके ऊपर जाकर कमेंट करना है, और आए हुए कमेंट्स को यूज़ करके हम लकी विनर को डिक्लेयर करेंगे इंस्टाग्राम के लाइव पे। तो चलिए आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और आने वाले व्लॉग में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये रहा आपका हेलसिंकी। ये हेलसिंकी सेंटर है, तो फिर मिलते हैं जल्दी आपको। पीस आउट।